तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अंधभक्तों के ऊपर मैं काफी सारी स्पेशल वीडियोस बनाती ही रहती हूँ, ताकि हमारे देश की आम जनता को पता लग सके कि अंधभक्तों के दिमाग में भैया कितना गोबर भर चुका है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो जागरूक इंसान और अंधभक्त में क्या फर्क है? बट आई थिंक दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अंधभक्तों में दिमाग तो होता ही है, लेकिन वो मोदी भक्ति में इतना चूर चूर, इतना नील हो चुके हैं कि उनका दिमाग में गोबर भर चुका है, उनका दिमाग काम करना बंद हो चुका है भाई। वहीं अगर हम आम जागरूक इंसान को देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ देश हित के बारे में बातें करेगा, जिससे हमारा समाज जागरूक हो सके। इस वीडियो में भी हम देखेंगे कैसे हमारे देश का एक पढ़ा लिखा इंसान हमारे अंधभक्तों पर भारी पड़ गया। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। आजा संडास दिखा तो। मोदी चाहिए मोदी। यहाँ गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े क्यों खड़े? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? हमारे देश में जितना पोर्न स्टार को रिस्पेक्ट मिलता है, आप पूछिए सनी लियोनी से, उतना रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी नहीं मिल सकता। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। क्या बोला? तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। ओ भाई, मारो मुझे। वो कहां गए? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं थे क्यों? ये कौन से नशे हैं? गंजा। मोदी बस। हाँ, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? G20 होस्ट करा। लवड़े भुजिया, बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? पता नहीं। क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अब देखिए बेटा, आप नीचे आइए। नहीं, दिस इज द वैल्यू। और फिर क्या तुम मोदी को चाहिए? अरे हमें चाहिए मोदी। असली है ये लोंडा। तुम ये कह रहे हो महंगाई भाई, 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। बेटा लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। 2,000 का आटा होगा, हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। अरे बस कर। जयशंकर ने क्या बयान दिया था कि मैं बकायदा मोदी जी के साइड में बैठा था, और मैंने खुद कान से सुना है कि मोदी जी ने जब इसराइल के जो राष्ट्रपति उनसे बात करी थी। वाह मोदी जी, वाह वाह। वार रुकवाने के लिए कि हमारे बच्चे निकल जाए, हमारे देश के वासी निकल। कौन सी रुकवाई? कौन सी रुकवाई भैया जी? इसराइल वाला और बताऊं। क्या 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 भैया जी? इसराइल वाला और बताऊं। ओह माय गॉड, नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ? इंसानों को रोटी मिल नहीं रही है, आप पशुओं की गायों की बात कर रहे हो। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आप बात को समझिए। आप ये जो भी कहते हैं कि हम फ्री दे रहे हैं या फ्री ले रहे हैं, अरे फ्री कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी जी खुद बट्ठल कसी उठा के दिहाड़ी कर रहे हैं और कमा के दे रहे हैं क्या? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? देखिए ये 25 करोड़ लोगों को इन्होंने इंटरनेट दे दिया। आप एक महीने के लिए इंटरनेट बंद करके देख लीजिए। हाँ। एक महीने के लिए इंटरनेट बंद करके देख लीजिए, 25 करोड़ लोग वाकई काम मांगने लग जाएंगे। हाँ। अब बाद की वास्तविकता को समझ नहीं रहे। मैं कुछ पॉइंट सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट नहीं कर सकता, ऐसी ऐसी अंदर की बातें हमें पता है कि जो हम बता नहीं सकते पब्लिकली। ये जो कह रहे हैं ना कि फ्री दे दिया, फ्री कुछ नहीं भाई, नरेंद्र मोदी अपने घर से कुछ नहीं लेके आए, वो यहीं दिल्ली आए थे, एक धोती चादर बांध गया और उन्होंने सब यहीं से लिया। उनको ये जो बंगला मिला हुआ है, इनका टैक्स भी, इसका भी जो पैसा है ना जो बिजली का, वो हमसे देता है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके लिए, हमारे टैक्सेस में से पैसा जा रहा है। फ्री कौन दे रहा है? चाहे अरविंद केजरीवाल है, ये तो जनता के चुने हुए नुमा। देखिए बात सुनिए, एक बात समझ लीजिए, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे कोई भी पोस्ट है, चाहे पार्षद है, चाहे MLA MP है, ये कोई भी है, देखिए ये जितने भी घोड़े गाड़ी हैं, जो लाव लश्कर इनकी सिक्योरिटी है, इनके जो नौकर चाकर है, इनके जो खाना पीना जो सब चीज़ है, ये जनता के टैक्स से इनको पैसा आ रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो व्यक्ति तनख्वाह के ऊपर काम करेगा वो कर्मचारी की श्रेणी में आता है, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे DGP है, चाहे वो इंस्पेक्टर है, SP है, कोई, चाहे वो एयरफोर्स में, नेवी में, BSF, CRPF, कोई डिपार्टमेंट है,
बात समझ रहे हैं, तो जो तनख्वाह ले रहा है वो तो कर्मचारी, आए प्राइम मिनिस्टर की 5 लाख रुपए सैलरी है, तो 5 लाख रुपए तनख्वाह भी तो काम कर रहा है, अकड़ किस बात की है।